कोयला घोटाले मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा समेत चार लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य को आपराधिक साजिश और सेक्शन 120B, 420 और धारा 409 के तहत दोषी करार दिया है। इन सबको 14 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। ये मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटित करने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। सीबीआई ने यह कहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन गुप्ता ने ये तथ्य तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से छिपाया कि झारखंड सरकार ने VISUL को कोयला ब्लॉक का आवंटन करने की सिफारिश नहीं की है। 24 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बाद हुए सभी कोयला आवंटन रद्द किए। 218 आवंटित ब्लॉक में से 214 को रद्द किया गया। 2012 के अगस्त में संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि इस आवंटन में सरकार को 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अब इस मामले में दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता सिंह, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।